गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.3. इन दिस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई यूजिंग द लेटेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के जो सिंपल मेथड है वो तो हमें आता है, बट ये कौन सा मेथड है? लेटेस्ट मेथड. इसमें भी बहुत ईजी है. इसको एक फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू हमें आंसर लिखना होता है. यहाँ पे क्या है, 127 × 5. तो ये 1 का कॉलम, 2 का कॉलम एंड 7 का कॉलम. हमने 3 डिजिट के कॉलम बना दिए और इसको किससे करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 1 बॉक्स बना है. नाउ ये हमारा, ये बॉक्स में ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? 1s होता है और ये कितना होता है? 10s होता है. फॉर एग्जांपल 5 1s 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे. बट 5 2s 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 10s में 1 आ जाएगा और 1s में 0 आ जाएगा. देन स्टार्ट विथ 5 7s 1st. यहाँ पे 7 की प्लेस है. 7s कितना होएगा? 5 7s 35. देन 5 2s 5 2s 10. 5 1s 5 1s कितना होता है बच्चों? 5 ही होता है. तो हमने यहाँ 1s में 5 लिख दिया, बट 10s में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0. अब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रॉस में एडिशन करेंगे ऐसे. ओके, फर्स्ट वाले में क्या है? 5 है. सेकंड में 3 and 0 3 5 and 1 6. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6 35. ओके, और ये तो 0 है. अगर यहाँ पे 1s होता तो हम इसको भी ऐसे क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड वाला और ट्राई करते हैं. फर्स्ट हम 3 को किससे करेंगे? 4 से करेंगे. 3 4s 12, वेरी इजी. 3 0s 3 0s कितना होता है? 0 ही होता है. तो ऊपर और नीचे साइड बोथ कॉलम 1s और 10s में, दोनों में हम क्या कर देंगे? 0 लिख देंगे. नेक्स्ट इज 3 3 3s 9. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. अब क्या करना है हमें? क्रॉस में ऐड करना है. तो यहाँ पे हमारा 2 1 and 0 1 9 and 0 9, और आगे तो कुछ है नहीं, 0 डिजिट है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 1 2. अब ये तो हमने 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया. इन द सेकेंड पार्ट यहाँ पे 345 को हमें किससे करना है? 17 से करना है. तो ये 1 की लाइन है और ये 7 की लाइन है. तो यहाँ लिख देंगे 3 4 5. इसको पहले 1 से करेंगे. 1 5s 5 1 4s 4 1 3s 3. यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में 10s में सब में 0 आ गया. नाउ 7 5 7s 35 5 4s 28. तो ये हमारा 21 आ गया. अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे फर्स्ट 5. अब इन तीनों को ऐड कर देंगे. 5 and 3 8 8 and 8 16. ये 16 लिख दिया मैंने. और यहाँ पे क्या आ गया? 1 कैरी आ गया. अब इन सबको ऐड करना है क्रॉस में, है ना? इस वाली क्रॉस लाइन को ऐड करेंगे. 1 and 4 5 5 and 2 7 7 and 1 8 8 आ गया हमारा आंसर. अब यहां पे इसको ऐड करेंगे 3 and 2 5, और आगे कुछ है ही नहीं, 0. तो ये हमारा जो बॉक्स में, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, ये हमारा फाइनल आंसर है. वैसे ही हमें इसको भी करना है 4 1 4 and 28. तो 4 1 4 2 4s 8 2 1s 2 2 4s 8 8 4s 32 8 1s 8 और 8 4s again 32. अब क्या करना हमें? फिर से इसको क्रॉस में ऐड करना है. फर्स्ट तो हमारा 1 डिजिट नंबर 2 आ गया. 8 and 8 16 16 and 3 19. और यहाँ पे हमने 1 कैरी लगा दिया. 1 and 2 3 3 and 2 5, और ये 0 है. तो हमारा आंसर 5 आ गया.
एट एंड थ्री कितना होता है, 11 होता है, तो 11 का 1 लिख दिया और यहाँ 1 कैरी कर दिया, 0 एंड 1 1, तो हमारा आंसर आ गया 11,592। तो ये कौन सा मेथड है, लेटेस्ट मेथड है और ये बहुत इजी है। पहले तो हमें इसके 2 टेंस और 1s के ब्लॉक बनाने हैं। 1 डिजिट वाला तो सिंपल है, क्रॉस में कर दिया, और 2 डिजिट वाला भी सिंपल है, नीचे थोड़ा लंबा एडिशन हो गया, बाकी बहुत इजी मेथड है। सम ऑफ क्वेश्चन आई हैव सॉल्वड ऑन बोर्ड एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन। इफ यू हैव एनी डाउट देन गिव अ कॉल, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाय, थैंक यू।